बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अंदर से आज चमन जा रहे हैं। चमन राती से असी आके ना 3 बजे को इत बलोच वतन होटल है, बहुत वड्डा होटल है। चमन शहर तो 3 किलोमीटर पहले इस साइड बहुत वड्डा होटल है। इतने मस्जिद ते गड्डियां खलारन दी जा बड़ी खुली, बिल्डिंग कमरे शमरे भी हैं पे। इतने आके ना असी रात ले 3 बजे सेंगे ऐसे, ते 5 बजे का अलार्म ला के भी 5 बजे ना असी उठी रहे। अलार्म वगदा रहा, असी बंद करके मोटर सैन जाते ऐसे। खैर 6:15 अली हसन संजय गया, उस आख्या भी जी उठी हो। अगले बंदे नाल रबता होया, उस आख्या भी 6 से 9 बजे तक ना बाजार के गड्डी खाली हो सकती है, भी तुसा 6 से 9 बजे तक आ जाना किसी टाइम ही। हूँ उन्होंने फोन किया, हूँ 6:30 हो गए, उन्होंने फोन किया, उस आख्या भी यार 10 मिनट के बाद आ जाओ। असी अल खैर रखे हूँ रवाना हो जाने। उस आख्या बाईपास से आके रबता कर, रब तक की करना वो पुछ ली सें भी उवा जगह है जिथे पिछले चक्कर गड्डी खाली की आ, तो मुड़ वो जगह तो मैं वेखी हुई उत्थे चले सें जाके गड्डी लेने। उत्थे बाजार दे भी गड्डी खाली होंदी है 9 बजे मेरे ख्याल च, पुलिस वाले उत्थे आंदे, रश जो होंदा ते 9 तो पहले पहले गड्डी उम्मीद करें ना जल्दी जल्दी खाली कर दसन। खाली करके ते मुड़ असा निकल सें वापस, ते वापसी जो भी तरतीब बनती है इंशाल्लाह थोड़े नाल शेयर करे सां। ते चमन दे मौसम की अगर गल की जाए तो इतने मैनू लगता है कुछ 5 से 6 टैंपरेचर हा, इतने इतनी सर्दी आ देर सारी। असी बिस्तरे दे रजाइयां दे पै रह गए, ज़्यादातर मकान इतने कच्चे हैं, शहर दे विच पक्के हो सन, शहर दे हो सन नहीं हैं पक्के। ज़्यादातर इधर साइडां ते पिंड थावां ते कच्चे मकान वेखण नूं मिलदे। तो इतों के लोगों को एड्डी सर्दी कोई नहीं महसूस हो रही। कल जो असी कल खाना खावन लगे हैं ना, तो एक बंदा सन प्यादा भी यार लस्सी खाओगे, उस आख्या भी नहीं असी तो नहीं लस्सी खाते, मतलब इन्हों हाली है भी हाली गर्मी वधी है। तो सानू भाई इतने चंगी पहली ठंड लगी, इतने आके शदादपुर याद आया पिछले चक्कर गए ना सिंध, उत्थे गर्मी आ, वह शदादपुर याद आया भी यार उत्थे गर्मी। 6वीं दे ना नज़म इंग्लिश दी नज़म आ, वैन द वैदर इज वार्म वी मस्ट नॉट स्टार्म, मौसम चाहे जैसा भी हो हमें ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मौसम जिवें दा भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सारे मौसम साढ़े वास्ते ही तो बने, तो साडा मुल्क असी साढ़े मुल्क वाले असी बंदे बड़े खुश नसीब हैं कि सानू सारे मौसम अल्लाह पाक दे छुड़े सारे मौसम। तो कई मुल्क ऐसे भी हैं जिते सिर्फ सर्दी होंगी गर्मी कोई नहीं होंगी, जिते सिर्फ रात होंगी दे कोई नहीं होंगे, तो कितने दे होंगे तो रात कोई नहीं होंगी। ये अल्लाह के करोड़ों मेरे शुक्र है भी इतने सर्दी भी है, गर्मी भी है, बहार भी है, खिदाम भी है, सारे मौसम हैं साढ़े इस प्यारे मुल्क। जाने जाके उदा सिर खावी भी गड्डी खाली करो। चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करे सो, घंटी वाले बटन ऑल ते कर दे सो। नादरीन जिहड़े फ्लैग झंडे लगे खलोते इन अंधे हलण तो तुसीं अंदाजा ला ली सो भी इत्थे ठंडी हवा किन्नी, और हवा इत्थे हाँ तेज हवा किन्नी, हवा इत्थे उंदी भी ढेर सारी तेज हवा चलदी। भाई इत्थे रुख तो होए कोई ना, जिथे रुख होवन तो मुड़ कुछ हवा नूं ठल्ला पिया रहिंदा, रुख हैन कोई ना, हवा बड़ी तरीके लगती। बाईपास मेरे ख्याल इतो शुरू होना, असं जो रोड लुमद पे ये रोड इधर क्वेटे लुमद पे अगू एक गेट जहा बने हुआ ते बाब सजेंदे इवें तरह बाब अग भी दो के त्रै अग भी हैं, एक बाब दोस्ती एक दूते लिखे अग बार्डर के नेड़े च भी वे था। ते इत दो रोड फुटते पे, एक रोड खब्बे हथ वो मेरे ख्याल शहर वाली पास जासी, तो आप जाना सज्जे हथ, सज्जे हथ सीधा बाईपास है पे, बाईपास तो होंगे अगर ईओ रोड जेडे ते असी हुण लगदे पे ईओ रोड जाता है अगर बार्डर वाली पास। एक बार वैसे मैं जो खब्बे हथ जो मोटरसाइकिल नहीं जाता पे उस पास, एक बार मैं गया मूँ खल लावण वास्ते, खल बनोला रोड आ तो लावण वास्ते इस साइड वाल मैं गया। रेलवे स्टेशन इस पास क्यों रेल की पटड़ी इदा ही जाती भी उदा ही उस रेलवे स्टेशन। जै अफगानिस्तान जाना हो या अफगानिस्तान का जो पहला छोटा जहा शहर है ना बार्डर जिमें क्रॉस करीदा, तो उसका ना है स्पेन बुलदक,
ਸਾਡਾ ਚਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਨ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਲਟ ਨਿਧਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸੱਜੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸਾਨ ਟੋਟਲ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਗੇਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਔਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਖੱਪਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤਰਫ ਇੰਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤਰਫ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਂਗੇ आधे किलोमीटर के बाद हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमने गाड़ी खाली करनी है इंशाल्लाह बाजार के गड्डी लाई जिते खाली करनी गड्डी तो हूँ इंतजार मजदूरों की भी यार जल्दी जल्दी आवन मजदूर तो गड्डी करें खाली उम्मीद करें ना डेल कोई ना लग सी जल्द मजदूर फौज जोड़ गई ना जल्दी खाली कर ली जिते गड्डी खाली हो रही है नाल चाल बिरा आ जाता चाह बनाई बैठा तो अच्छा चाह अपनी आ गई है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੋਸਤੀ ਆ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਓਲੀ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਰਲੀ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੁਬਤਾ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵੇ ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਮੇਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਆਪਣੇ ਲਖੈ ਰੱਖੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਗੁੜਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਖਾਲੀ ਜਾਵੀਏ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੀਏ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਖੈ ਰੱਖੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗਾ ਜਾਨ ਆਓ ਚਲੀਏ ਨਜ਼ਰੀਨ ਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲਈ ਲਖੈ ਰੱਖੇ ਬਿਲਟੀ 550 ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਡ ਕਰ ਲਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਮਜਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਜਕ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਡਿੰਗੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਪਿਆ
चलते हैं चल के लोडिंग वाली वीडियो कल वेखना ना भूलो इंशाल्लाह। इतने जेड़े भी पिंड लग गए, दो पिंड लग गए, कच्चे मकान वेखे पासे अभी पक्के रोड को छोड़ा जी, सिंगल रोड था पक्का, ये थाला था, कच्चे रास्ते की तरफ जा रहे हैं अभी। लोड गाड़ी भी इसी रास्ते आएगी? अच्छा, गाड़ी भी इसी रास्ते आएगी। रास्ता गुजारे वाला है वैसे? अभी इधर पानी खत्म हो गया, देखते जमीन बागे सब खत्म हो गया। ये पानी की वजह से? हाँ, ये पानी बहुत दूर से आता है इस बाग में ना।